देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले हम कर रहे हैं कन्हैया कुमार से। क्या उत्तर प्रदेश में कन्हैया कुमार के आने से बीजेपी डर गई है? क्या उत्तर प्रदेश में कन्हैया कुमार की एंट्री से ही योगी सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में कन्हैया की एंट्री से बीजेपी नेताओं की बोलती बंद हो गई है? जी हां, ये सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। ये सवाल लाजमी सी बात है, उठने भी चाहिए, क्योंकि कन्हैया कुमार उत्तर प्रदेश में जाते हैं, वहां पर उनका प्रोग्राम होता है और क्या कुछ हरकतें देखने को मिलती है कि उन पर स्याही फेंकी जाती है, उनका अपमान किया जाता है। वहां पर कन्हैया कुमार को जो है उन पर हमला करने की कोशिश की जाती है, तो ये देखा जा रहा है कि ये किसी और ने नहीं उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि कन्हैया कुमार की एंट्री जो हो गई है, जी हाँ, ये वही कन्हैया कुमार है जब डिबेट शो के दौरान बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा बीजेपी के तमाम बड़े प्रवक्ताओं नेताओं से सवाल पूछते हैं, तो वही बीजेपी के प्रवक्ता और नेता कन्हैया के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते। ये वही बीजेपी के लोग हैं, ये वही बीजेपी के नेता हैं जो महंगाई पर बात नहीं करना चाहते, जो रोजगार पर बात नहीं करना चाहते। और जब कन्हैया जैसे युवा नेता रोजगार पर, महंगाई पर, शिक्षा पर, अर्थव्यवस्था पर, महिला सुरक्षा पर बात करते हैं, तो ये नेता चुप्पी साध लेते हैं। इसका साफ मतलब यह है कि मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार जैसे नेता जब डिबेट शो के दौरान इन नेताओं की, बीजेपी नेताओं की बोलती बंद कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है जब एंट्री की है उत्तर प्रदेश में और रैली करते नजर आएंगे, तो जब सवाल योगी सरकार से पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए कन्हैया कुमार को उत्तर प्रदेश से भगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी का युवा नेता है, डरेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता कभी ना डरे हैं, ना डरे थे, ना डरेंगे, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ईमानदार कोशिश करती नजर आई है। हमेशा से कांग्रेस ने जनता की सेवा की बात कही है, हमेशा से कांग्रेस पार्टी जनता के लिए काम करती आई है और आज भी काम कर रही है। ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कन्हैया कुमार की एंट्री से बीजेपी इतनी परेशान हो गई कि कन्हैया को मारना शुरू कर दिया, कन्हैया पर हमला करवाने की जो है कोशिश की गई, स्याही फेंकी गई। और ये भी देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार जैसे नेताओं से कितनी डरती है बीजेपी। और एक और खबर मैं आपको बता दूं, कन्हैया कुमार हवाई चप्पल पहनकर जो है हवाई जहाज में सफर करते हुए नजर आए और उनकी तस्वीर बकायदा सामने आई, तो उन्होंने सीधे तौर पर पीएम मोदी पर तंज कसा है, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था वो चाहते कि हर हवाई चप्पल पहनने वाला शख्स हवाई जहाज की यात्रा करे। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत कर दी है, बहुत सारे दर्शक है। देखिए, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ, जब लाइव प्रोग्राम हम लोग करते हैं, बहुत सारे दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं, सर कब होगी कन्हैया कुमार की एंट्री। वो पूछते थे सर कब होगा सचिन पायलट का उत्तर प्रदेश में दौरा, तो हमने बताया था उनको कि अभी वक्त है, अभी चीजों को थोड़ा सा समझिए। लेकिन जनता को ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगी एंट्री, लेकिन हमने बताया कि सचिन पायलट का दौरा होगा, कन्हैया कुमार की एंट्री होगी। और देखिए, ना सिर्फ सचिन पायलट का दौरा हुआ, कन्हैया कुमार की एंट्री हुई, बल्कि इन नेताओं को स्टार प्रचारक की सूची में कांग्रेस ने शामिल किया। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस इस वक्त बहुत सोच समझकर राजनीति कर रही है, बहुत सोच समझकर रणनीति बना रही। भाई, रणनीति बनाए भी क्यों ना, 2017 के समय कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी बेहद बड़े हद तक रणनीति के तहत काम कर रही है। और आज उत्तर प्रदेश में एक ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो मुद्दों पर बात कर रही है, जो रोजगार पर बात कर रही है, महिला सुरक्षा पर बात कर रही है, अर्थव्यवस्था पर बात कर रही है। वो राजनीतिक पार्टी कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी है। जी हाँ, वो कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा से जनता के साथ खड़ी रही है, जो हमेशा से जनता के सुख दुख में खड़ी रही है। और आज मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक बदलाव शुरू हो चुका है, बहुत बड़े हद तक चीजें बदलती नजर आ रही है। यानी कि ये देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार से बीजेपी कितना डर चुकी है, कन्हैया कुमार से बीजेपी के कितने ज्यादा होश उड़ते नजर आ रहे हैं। मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो फिलहाल कन्हैया कुमार, सचिन पायलट जैसे नेताओं की एंट्री से बीजेपी घबरा चुकी है, क्योंकि हाल ही में सचिन पायलट गाजियाबाद पहुंचे थे, जहां वो कांग्रेस के लिए
वोट मांगते नजर आए, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आए। तो ये देखा गया कि किस तरह से एक बहुत बड़े हद तक स्थितियां बदल रही हैं, एक बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नजर आ रहा है। यानी कि देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए, और कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलने क्या शुरू किए बीजेपी में, तो हड़कंप मच गया। बीजेपी के नेता थर थर कांपने लग गए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सचिन पायलट, कन्हैया कुमार जैसे नेताओं का क्या सामना करेंगे, क्योंकि बीजेपी के ये नेता आज बीजेपी केवल हिंदू हिंदुत्ववादी पर ही तो चुनाव लड़ रही है, केवल मंदिर मस्जिद पर ही तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी रोजगार पर चुनाव लड़ रही है, महिला सुरक्षा पर चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश के स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, और सच्चाई के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। देखिए, कहते हैं कि जो सच के साथ खड़ा होता है उसकी जीत होनी निश्चित है। भले ही सच्चाई की जो रास्ता है वो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जो सच के रास्ते पर चलता है जीत उसकी होनी तय है। और आज ये देखा जा रहा है, सच्चाई के रास्ते पर आज कांग्रेस पार्टी चलती नजर आ रही है, आज सच के साथ खड़ी है। और बहुत बड़े हद तक देखा जा रहा है कि सच्चाई के साथ खड़े होकर कांग्रेस पार्टी ये बता रही है कि हमारा जो नारा था कि हाथ जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इसका मतलब कांग्रेस ने पहले भी जात पात नहीं देखा और आज भी जात पात नहीं देख रही है, और सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है। कांग्रेस ने देश में 70 साल राज करके ये बताया, हमने 70 साल चीजों को बनाया। देखिए, कांग्रेस के शासनकाल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल का भी जिक्र करूंगा, जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, किस तरह से देश को संभाल कर उन्होंने रखा था, देश को संजो कर रखा था, और उसको खराब करने में मोदी सरकार कितना बड़ा हाथ है। आज देश की ज्यादातर संपत्तियों को बेच दिया गया है, उसका निजीकरण कर दिया गया है, और जनता आज परेशान है। निजीकरण होने से जनता की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही। तो ये देखा जा रहा है कि सरकार हर चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहती है, बैंकों का विलय कर दिया गया, बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करने की काम कर रही है। इसके साथ ही देखने को मिला कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, बंदरगाह, एयरपोर्ट, LIC, तमाम ऐसी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका जिस तरह से निजीकरण कर रही है सरकार, इसका बड़ा नुकसान, जी हाँ, सरकार को चुनाव में उठाना पड़ रहा है। तो मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नजर आ रहा है, बहुत बड़े हद तक चीजें बदलती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर कांग्रेस पार्टी आज काम कर रही है, ये देखकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के होश उड़ गए। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ पैर खड़े कर दिए, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरना पड़ा, अमित शाह को उतरना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम नेताओं को उतरने की जरूरत तब पड़ रही है जब प्रियंका गांधी की आंधी से पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई लहर दिखती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों के साथ खड़ी है, और ये बहुत बड़े हद तक देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव शुरू हो चुका है। मौजूदा समय के अंदर रणनीतियां बदलती और बनती नजर आ रही है, और इसका बहुत बड़े हद तक चुनाव में फर्क दिखता नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले माहौल जो देखने को मिला उसे देखकर ये कहा जा रहा है, इस बार कांग्रेस पार्टी 150 से ज्यादा सीटें लाती नजर आ रही है। जी हाँ, 150 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस ला रही है, और इसका पूरा जो फर्क है वो लोकसभा चुनाव पर दिखता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए, नमस्कार।